बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं गवर्नर स्टेट बैंक जनरल हैदर नया पाकिस्तान हाउसिंग की और शौकत तरीन आप सबको और जो बैंकर्स आए हुए हैं आप सबको आज मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि एक बहुत ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए एक ये बड़ा मोमेंट है। ये एक ऐसा वक्त है कि हम एक उस रास्ते पे जा रहे हैं जिधर हमें बहुत पहले जाना चाहिए था। देखिए, पाकिस्तान में ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, इसलिए कि हम सब जानते हैं कि जो तनख्वाहदार है तबका है उसके पास कभी भी इतने वसाइल नहीं कि वो इतना कैश जमा करके घर खरीद सके, और हमें कभी ये सोच नहीं आई कि इन लोगों का अगर ये घर नहीं खरीद सकते, इनके पास कैश नहीं है तबका है, तो हम कैसे इनकी मदद कर सकते हैं कि अपना घर खरीदें। और मेरी जितनी इंटरेक्शन ओवरसीज पाकिस्तानी से, खास तौर पे जो मेहनत कश पाकिस्तानी जो बाहर मजदूरी करने जाते थे, और ये मेरी इंटरेक्शन इनसे अब से नहीं 40-50 साल से है, जब से मैं क्रिकेट भी खेलता था तो मेरा बाहर पाकिस्तानियों से इंटरेक्शन रहता था। एक चीज जो वो सबसे ज्यादा ख्वाहिश रखते थे कि बाहर पैसा कमाएंगे और पाकिस्तान में अपना घर खरीदेंगे। बेचारे अपने बीवी बच्चों से दो दो साल नहीं मिलते थे, या साल में एक दफा आके छुट्टी पे, सिर्फ इसी ख्वाहिश पे कि पैसा इतना हो जाए कि वो भी अपना घर बना सके। लेकिन कभी हमारी गवर्नमेंट ने इस चीज की, यानी कभी उनको एहसास ही इस चीज का नहीं हुआ कि ये भी पाकिस्तानी हैं, इनकी एक बड़ी बुनियादी जरूरत है। घर जो सिक्योरिटी है घर में आती है जब उसका अपना अपनी छत होती है। तो मैंने इसको, यू नो, मैं तो पाकिस्तान के साथ ही बड़ा हुआ हूं, तो मेरे जेहन में कभी कोई शक नहीं था कि ये क्यों हमने नहीं सोचा इसका। और अगर मैं इतना टाइम इंग्लैंड में ना गुजारता यूनिवर्सिटी के बाद, तो मुझे भी नहीं एहसास होना था, क्योंकि वहां तनख्वाहदार लोग सारों के पास मॉर्गेज फाइनेंसिंग होती है, बैंक फाइनेंस करते हैं उनको। ये जो आज हमने फैसला किया तो वहां तो हर करते हैं, और वहां इंटरेस्ट रेट भी बहुत नीचे होती है, तो बड़ा आसान होता है कि अपना घर अगर आपने लेना है तो आप अपनी तनख्वाह के अंदर थोड़ा थोड़ा पोर्शन दे, आपका घर हो जाता है। तो तब मुझे समझ आई कि ये तो हमने इस चीज का क्यों नहीं सोचा। तो असल में इसका मसला हमारे मुल्क का एक है कि हमारा जो हुकूमतें बनती हैं और जो डिसीजन मेकर्स होते हैं वो सोचते ही नहीं है आम लोगों का। हमारा सिर्फ सोच होती है एक एलीट की, एलीट पैसे देके अगर कैश देके घर ले सकता है तो वो ठीक है। अगर इंग्लिश मीडियम एजुकेशन में अच्छी अच्छी नौकरियां सिर्फ एक छोटे से तबके के लिए हैं, तो कभी सोचा ही नहीं किसी ने कि एक करिकुलम एक लाए जो सारी दुनिया में होता है। कौन से मुल्क में एक तबकाती निज़ाम होता है, एक पैसे वाले अमीर के लिए एक निज़ाम, आवाम के लिए दूसरा निज़ाम, और कभी चेंज नहीं किया 70 साल में। ये पहली दफ़ा एक सिंगल करिकुलम की तरफ जा रहे हैं हम। फिर अस्पतालों में अच्छे भले गवर्नमेंट के हॉस्पिटल होते थे, आहिस्ता आहिस्ता प्राइवेट हॉस्पिटलों में अच्छा इलाज हो गया और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर स्टैंडर्ड नीचे जानी शुरू हो गई, क्योंकि जो डिसीजन मेकर्स थे जिन्होंने फैसले करने थे वो या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते थे या मुल्क से बाहर अपना इलाज करवाते थे। तो कोई फिक्र नहीं थी आम आदमी को क्या हो। तो ये एलिटिस्ट माइंडसेट है, इसने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया। हमारी जो डेवलपमेंट थी मुल्क की, वो एक वर्ड अंग्रेजी के इंक्लूसिव कभी नहीं थी। छोटा सा तबका अमीर होता गया, आम लोग वहीं के वहीं रह गए, और इससे हमारे मुल्क को बड़ा नुकसान पहुंचा। तो जो चाइना की डेवलपमेंट हम देख रहे हैं वो एकदम 30-40 साल में दुनिया की सुपर पावर इसलिए बने कि उन्होंने निचले तबके को साथ ऊपर लेके गए। तो जब आप एक कितना बड़ा फासला कर लेंगे छोटे से अमीर और गरीब का, तो 22 करोड़ आवाम है हमारी, हमारा एक बड़ा ताकतवर मुल्क होना चाहिए, हमारी बड़ी मार्केट होनी चाहिए, दुनिया की सब बड़ी मल्टीनेशनल्स को पाकिस्तान में आना चाहिए।
लेकिन जब इतना सिर्फ छोटे से तबके का बाइंग पावर होगी और नीचे लोग गुर्बत पे होंगे तो वो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता, जो चाइना ने साबित किया। चाइना और हिंदुस्तान का क्या फर्क है? चाइना का एक ही जगह पे तकरीबन खड़े थे 30-40 साल पहले, आज वो चाइना किधर पहुंच गया, हिंदुस्तान किधर? क्योंकि हिंदुस्तान में भी अमीर गरीब में बहुत फर्क है। तो एक तो ये आज मुझे बड़ी खुशी है कि हमने उस रास्ते पे निकल गए जिस तरह मैंने कहा, जिधर हमें बहुत पहले जाना चाहिए था, कि आम तनख्वाहदार तबका, लेकिन वो कम आमदन वाले लोग, उनको अब पहली दफ़ा मौका मिलेगा अपना घर बनाने के लिए। और ये मुश्किल था क्योंकि सिस्टम हमारा कोप ही नहीं करता था। हमारे बैंक्स की जो सारी सारा जो उसका एटमॉस्फेयर था, वो एक आम आदमी अंदर हमारे बैंकों में जाते हुए डरता था। पहले तो अंग्रेजी में बोलते हैं सारे, ऊपर से टाई शाई पहन लेते हैं, वो बेचारा आम आदमी, वो एलियन अपने आप को समझता है वहां। सिस्टम ही हमारा उनको अकोमोडेट नहीं करता। तो ये जो आज मैं खास मुबारक देना चाहता हूं अपने बैंक्स को, कि उन्होंने पहली दफा ये जो आप फिगर्स हम देख रहे हैं कि एकदम 6 महीने में आम आदमी को कर्जे मिलने शुरू हो गए, अपने आप को चेंज किया बैंक्स ने। और मैं ये उम्मीद रखूंगा कि अब आप इसको मजीद और मार्केट करें ताकि और लोग आपके पास आए, क्योंकि अब बहुत डिमांड है लोगों की अपना सर के ऊपर छत की बहुत डिमांड है। और ये जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा कि चेंज हो गया मुल्क, ये आम आदमी भी अपना घर ले सकता है किस्तों के ऊपर, तकरीबन वही किस्तें जो वो किराया देता है उसी के ऊपर वो उसका घर ले सकता है, ये एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। एक तो सबसे बड़ी मुझे खुशी होगी कि हम उस तबके को जो तरसता रहता है कि अपनी छत हो, अपने घर पे अपना घर हो, तो एक तो उनके लिए ये बहुत बड़ा आज सबसे ज़्यादा तो खुशी उस पर है, लेकिन दूसरा ये इंशाल्लाह हमारी सारी इकॉनमी को उठा देगा कि जब ये जिस तरह की अब लैंडिंग शुरू हुई और बैंक्स करेंगे, तो जिस तरह की कंस्ट्रक्शन के अंदर जो इजाफा होगा तेज़ी से, क्योंकि हमारे मुल्क में बड़ी सप्रेस डिमांड है, बहुत ज़्यादा लोग हैं जो घर चाहते हैं और अब तक बड़े कम लोगों के पास है, और वो उसकी बदकिस्मती है कि कच्ची आबादियाँ बन जाती हैं जाके, क्योंकि हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते अपने घर। तो इसलिए ये जो सप्रेस डिमांड है, जितना आप इसको पब्लिसाइज करते रहेंगे, ये सेक्टर तेज़ी से जाएगा। रुकावटें बड़ी थी जो शौकत तरी ने बात की, सबसे पहले तो फोरक्लोजर लॉ था, वो फंसा हुआ था, और वो फिर से मैं कहता हूँ, ये तो अगर 90 से ये लॉ फंसा हुआ था तो इसका मतलब ये कि कभी गवर्नमेंट की मोटिवेशन ही नहीं थी कि जाके इसको अदालत में जाके केस जीते ये। और दूसरा जो ये बिल्कुल बात ठीक है कि इंटरेस्ट रेट इतना ऊपर होता है कि आम आदमी कभी भी उस सूद की सतह पे वो कर्जा नहीं ले सकता, तो उसके लिए हमने सब्सिडाइज किया है। और इंशाल्लाह जैसे जैसे हमारी इकॉनमी बढ़ेगी, हम ये सब्सिडी भी बढ़ाते जाएंगे आम लोगों के लिए, ताकि उनके लिए आसानी हो, आसान किस्तों के ऊपर वो महीने की तनख्वाह में अपना घर खरीद सके। मैं फिर से आप अपने बैंकर्स का ख़ास तौर पर उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इतनी जल्दी चेंज आ गया कि उन्होंने आम आदमी के लिए भी अब उस पर उर्दू में बातचीत शुरू कर दी है। शलवार कमीज में भी अगर बढ़ा देंगे तो वो और ज़्यादा आसान हो जाएगा, वो घबराएगा नहीं। और रजा आपके लिए कि आपने इस पर पूरा जोर लगाया, और जनरल हैदर ख़ास तौर पर आपके लिए, क्योंकि हमें पता है ये हमें एक साल में कितनी हमने रुकावटें दूर की इधर तक पहुँचने के लिए। शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।